तो विजुअलाइजिंग मेथड में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वन और टू लिया जाए कंटिन्यू नंबर, तो इसके बीच मेनी नंबर्स आएंगे, या वन डेसिमल वन, वन डेसिमल टू ले लिया जाए तो भी मेनी नंबर्स होंगे इसके बीच में। रेशनल नंबर का काउंटेबल पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग सोचे कि काउंट कर लें तो काउंट नहीं कर पाएंगे, हम लोग मेनी नंबर्स होते हैं। इस वजह से रेशनल नंबर भी अगर फाइंड करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ही, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। 3.765 तो देखिए इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहाँ जीरो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर ही केवल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इंटीजर में केवल पॉजिटिव ले ले रहे हैं। यहाँ ये हो गया वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री और यहाँ फोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3.7 रिप्रेजेंट करेंगे। 3.7 कहाँ आएगा? तो देखिए 3 डेसिमल के बाद वन डिजिट रहता है, तो हम लोग बताए थे कि उसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 2.5 रिप्रेजेंट करके दिए थे, 3.7 किए थे, तो ये हमारा 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है डेसिमल के बाद अगर वन टर्म आता है तो। तो डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो उसको हम लोग 10 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 ऑलरेडी हो गया 4। तो 3.7 तो यहाँ से काउंट कीजिए, ये 3 वाला छोड़ करके ये जो पहले से लाइन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया 3.7। अब हम लोग क्या करेंगे, 3.7 हो गया तो 3.76 करेंगे, 7.6 रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लेकर के यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 3.76 जो है वो 3.7 और 3.7 आता ना, गधा है ना, सब है आ जाता है, दिमाग खराब कर रखा है सब के सब। 3.7 और 3.8 के बीच में ये नंबर होगा, क्योंकि जो 3.7 है और 3.8 है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे 3.70 एंड 3.80। तो 70 और 80 के बीच में 3.76 यानी 76 आएगा, 70 और 80 के बीच में 76 आएगा। तो ये देखो 3.7 है और ये 3.8 है, तो इसको ये रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ये हो गया 3.8 और ये हो गया 3.7। अब देखिए तो ये हो गया, तो हम अब इसको 10 पार्ट में अगेन डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7.6 है, 7 के बाद एक ही ना डिजिट हम लोग ले रहे हैं तो इसको हम लोग 7.0 जब हम लोग कर लिए हैं, 7 कीजिए या 7.0 कीजिए, 3.8 कीजिए या 8.0 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 3.71, ये 3.72, ये 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0 यानी 7.2 हो गया, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ये हो गया आपका 3.76। तो 3.76 हो गया और ये होगा 3.78। तो 3.76 और 7.8, तो इसको अगेन हम लोग एक्सपेंड करेंगे इस तरह से इतना। तो देखिए ये हो गया आपका 3.76 और ये हो गया 3.77, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि जो 7.6 है इसको हम बोले है ना, तो 3.76 किया या 6.0 कोई दिक्कत नहीं है, एंड 3.77 लिखिए या 7.0 कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बेवकूफ है कि हम क्या करें सबको, मन तो करता है ना क्लास में रहते तो बड़ी कुदा कुदा के मारते सबको, ऑन टाइमिंग आ रहा है सबके सब, समझदारी ये नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। 7.60 और 7.70, तो आप बताइए 60 और 70 के बीच 65 आएगा,
सिक्सटी और सेवेंटी के बीच में 65, तो ये देखिए 76 ये जीरो है, तो 761, 762, 763, 764, 765, 767, 768, 769 और ये जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये जीरो, तो 760 हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 3.765, यही है हमारा रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया है जी?